मैंने सदन में एक कथन दिया है, एक लिखित जवाब दिया है, दोहराती हूं मौखिक आज। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी हमारे छात्रों को, ये हमारा वचन है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका धर्म ग्रंथ बतौर प्रधानमंत्री देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है। और प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं दोबारा इस सदन में दोहराती हूं। मेरा सभी सम्मानित सांसदों से एक अनुरोध है, शिक्षा की नई नीति कैसी हो, इस पर हमने 33 थीम्स विकसित किए हैं। 21 मार्च को सभी प्रदेश की सरकारों के साथ एक बैठक में हमने निर्णय लिया कि आज तक देश में शिक्षा मात्र कुछ चुनिंदा लोग बताते थे कैसी होनी चाहिए। हमने कहा देश में 2,75,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल है। प्रदेश सरकारों से आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा कि हम जाएं उस गांव के विलेज एजुकेशन काउंसिल में और पूछें कैसी शिक्षा चाहिए आपको। कोई उनसे तो पूछे जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। 4 दिन का समय, कैसे जोड़े सब स्कूलों को, लेकिन हुआ। व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना है प्रदेश की सरकारों के सहयोग से। 9.5 करोड़ बच्चों से संपर्क किया हमने, इसलिए कहना चाहती हूं कि यह संभव है अगर ये संसद ये सदन ठान ले। टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहां पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिंता है उन्हें, किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग में हम लोग पहली बार टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत, उसका इवैल्यूएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स और ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है। ये भी मैं सदन को